याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खामोशी बुजदिली है, खामोशी बुजदिली है, याद रखो। और भारत के संविधान में आपको बोलने का अख्तियार है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा पूरा मन तरीके से। और ये लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं यहाँ पर अपनी मकबूलियत में, अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करने के लिए नहीं आया, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं इसलिए आया हूँ ताकि आप मुसलमानों के नेता बने, ताकि आप मुसलमानों के खायद बने, ताकि आप मुसलमानों के लीडर बने। और जब यहां से वो खड़ा हो जाएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, सऊदी ओवैसी उसके पीछे खड़ा होगा और उसको सामने रखकर कहेगा कि तुम क़यादत करो इन मजलूमों की, तुम इनके मुकद्दर के फैसले तय करो। कब तक हमारे मुकद्दर के फैसले कोई कांग्रेस और बीजेपी करेगी?